हे व्हाट्स गोइंग ऑन गाइस, माय नेम इज जय। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम ऑटोकैड में लेयर मैनेजर का यूज कर सकते हैं और इसके अंदर क्या टूल्स और कमांड्स होते हैं। सो स्टे ट्यून। फॉर मोर ऑटोकैड ट्यूटोरियल्स क्लिक ऑन सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकॉन। ओके, जब भी हम ऑटोकैड में कोई मॉडल या लेआउट डिजाइन करते हैं तो उस मॉडल या लेआउट को पूरा कंप्लीट करने में बहुत सारी लेयर्स लगानी पड़ती हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस ड्राइंग को देखिए। यहाँ पर एक्सटीरियर वॉल्स, इंटीरियर वॉल्स, डोर्स, विंडोज, एनोटेशंस, फर्नीचर और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके लाइंस और कलर्स डिफरेंट हैं। ऐसा इसलिए बिकॉज हमें एक अच्छे प्रिंट की ज़रूरत होती है जिसको हम इजी से रीड कर पाएँ। मोस्ट प्रोबेबली लोग एक ही गलती करते हैं कि एक ही लेयर से कंप्लीट ड्राइंग बना लेते हैं, जो एक रॉन्ग मेथड है। आप प्रोफेशनल तरीके से ड्राइंग बनाना चाहते हैं तो लेयर मैनेजर का यूज़ करें और इसको यूज़ करना बहुत ही ईजी है। ओके, ये लेयर पैनल है, यहाँ से हम इसे स्क्रॉल डाउन भी कर सकते हैं। इसको यूज़ करने के दो मेथड्स हैं। फर्स्ट इज़ हम पहले से ही डिसाइड कर लें कि लेयर के लिए प्रॉपर्टीज़ क्या रखनी है। सेकंड मेथड में बहुत सारी लेयर्स बनाने के बाद इन सभी शॉर्टकट्स की हेल्प से डायरेक्टली एडिटिंग कर सकते हैं। क्लिक करेंगे लेयर प्रॉपर्टीज़ तो लेयर प्रॉपर्टीज़ मैनेजर यहाँ से ओपन हो जाएगा। ओके, इसे कहीं पर भी एडजस्ट कर सकते हैं। इसे मैं साइड में लगा देता हूँ डॉकिंग की हेल्प से। इसमें एक बार जैसे बन जाती है, अगर मैं इस आइकॉन पर कर्सर ले जाता हूँ तो ये मैनेजर शो होने लगता है, वापस ड्राइंग एरिया में ले जाता हूँ तो ये हाइड हो जाता है। इसका बड़ा ही फ़ायदा है, मैं इसमें और भी चीज़ें ऐड कर सकता हूँ जैसे कि कैलकुलेटर। सो मुझे इस तरह से वर्क करना अच्छा लगता है और आप जैसे चाहे कर सकते हैं, नॉट ए बिग डील। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, यहाँ पर एक सिंपल टेबल जैसे बनी हुई है, ये सभी कंट्रोल आइकन्स हैं। इस रो में सभी डिफरेंट कॉलम्स के नाम यहाँ पर दिए गए हैं। ये फिल्टर का कॉलम है, इसे हम बाद में देखेंगे। ओके, अभी यहाँ पर कुछ भी पता नहीं चल रहा है तो हम यहाँ पर राइट क्लिक करके इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। सभी को एक्सटेंड करना चाहते हैं तो मैक्सिमाइज ऑल कॉलम्स, पास लाना चाहते हैं तो ऑप्टिमाइज ऑल कॉलम्स, अगर कोई कॉलम नहीं चाहिए तो सिंपली डिसलेक्ट, अगर कोई गड़बड़ हो गई है तो रिस्टोर ऑल कॉलम्स टू डिफॉल्ट्स। बाय डिफॉल्ट इसमें ऑलरेडी एक लेयर गिवन है, इसको नहीं छेड़ना है। हम अपनी न्यू लेयर्स जनरेट कर सकते हैं इस आइकन पर क्लिक करके। अगर डिलीट करना चाहते हैं तो सेलेक्ट द लेयर और इस आइकन पर क्लिक करके हम डिलीट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, जिस लेयर से भी आप ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना चाहते हैं, सेलेक्ट द लेयर एंड क्लिक ऑन दिस आइकॉन। यहाँ पर एक राइट का मार्क आ जाएगा जिससे पता चलता है कि ये करंट लेयर है और अब आप इस लेयर की प्रॉपर्टी से ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर पाएंगे। उससे पहले आपको एक चीज़ नोट रखनी होगी कि जो भी आप न्यू लेयर जनरेट करेंगे वो एक तरीके से सिलेक्टेड लेयर की कॉपी होगी। फॉर एग्जांपल, मैं एक लेयर जनरेट करता हूँ, लेयर वन, तो इस ज़ीरो लेयर की प्रॉपर्टीज़ यहाँ लेयर वन में भी कॉपी हो जाती हैं। जैसे मैं अभी इसका यहाँ से कलर चेंज कर देता हूँ लाइक रेड और अभी न्यू लेयर जनरेट करता हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट लेयर टू इसकी कॉपी जनरेट हो जाती है। प्रॉपर्टीज़ मतलब यहाँ पर किसी भी लेयर के लिए 8 तरह के फंक्शंस दिए गए हैं, जैसे ऑन, फ्रीज, लॉक, कलर, लाइन टाइप, ट्रांसपेरेंसी। ऑन और फ्रीज ये दोनों लेयर को हाइड करने के लिए काम आते हैं, बट दोनों में एक बड़ा डिफरेंस है, एक लेयर को छिपाता है और एक लेयर को गायब करता है। दैट मीन्स ऑन ऑफ से लेयर को हम हाइड तो कर सकते हैं बट कंप्यूटर उसे रीड कर सकता है, जबकि फ्रीज हो जाने के बाद कंप्यूटर उस लेयर को रीड ही नहीं करता है। ओके, लेट्स सी एन एग्जांपल। मैं यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर देता हूँ, जनरेट न्यू लेयर सर्कल वन या फिर C1 एंड वन मोर ट्राइंगल वन T1। नाउ जूम एक्सटेंड। इसका काम क्या होता है कि जो भी हमने मॉडल में ड्राइंग्स बना के रखी हुई हैं वो सभी को यहाँ पर हमें जूम करके एक साथ इस विंडो में शो करता है। अभी देखिए, कंप्यूटर यहाँ पर दोनों ऑब्जेक्ट्स को प्रॉपर्ली रीड कर पा रहा है। जैसे ही इसमें से मैं किसी एक ऑब्जेक्ट को हाइड करता हूँ, जैसे सर्कल को ऑफ कर देता हूँ, नाउ जूम एक्सटेंड अगेन, तो अभी आप देख सकते हैं सर्कल हाइड हो गया है बट कंप्यूटर उसको अभी भी रीड कर पा रहा है, उसकी लोकेशन अभी स्टेबल है। और अब जैसे ही मैं इसको फ्रीज करता हूँ तो जूम एक्सटेंड,
तो अभी आप देख सकते हैं कंप्यूटर इसको रीड ही नहीं कर रहा है। सो बेसिकली कुछ ड्राइंग्स या ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनको एक लेयर की हेल्प से ड्रॉ किया जाता है, बट रिजल्ट में उसका कोई यूज़ ही नहीं होता है। तो लॉन्ग टाइम के लिए हम फ्रीज को यूज़ कर सकते हैं, वैसे नॉर्मली हाइड करने के लिए हम ऑन ऑफ का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ लॉक। अगर हम किसी भी लेयर पर काम ही नहीं करना चाहते तो हम सिंपली इससे लॉक कर सकते हैं, जिससे कि वो लेयर इधर उधर ना हिले या फिर गलती से डिलीट ना हो जाए। और यहाँ से हम कलर भी चेंज कर सकते हैं। लाइन टाइप में देखिए, यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट कॉन्टीन्यूअस सॉलिड लाइन सेलेक्टेड होती है, बट उसके अलावा ड्राइंग में हमें डॉटेड लाइन, डैशेज लाइंस, बॉर्डर लाइंस की भी ज़रूरत होती है। हम यहाँ पर इस ऑप्शन में जाकर के यहाँ से लोड कर सकते हैं और लाइंस। ओके, नेक्स्ट इज़ लाइन वेट। यहाँ पर क्लिक करेंगे, डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स की वैल्यूज़ हैं, ड्राइंग्स के अकॉर्डिंग हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप लाइन वेट नहीं देख पा रहे हैं तो आप टूल स्टेटस बार में जाइए और यहाँ से इसको ऑन कर दीजिए। लास्ट जो चीज़ है वीपी फ्रोज़न, ये भी न्यू लेयर जनरेट करता है, बट इसमें थोड़ा डिफरेंस होता है, ये सभी व्यू पोर्ट पर फ्रीज होता है। अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो नॉर्मल लेयर की तरह इसे यूज़ कर सकते हैं। ओके, लेट्स सी ये कैसे काम करता है। देखिए, अभी यहाँ पर मॉडल वर्क स्पेस ही करंट व्यू पोर्ट है, बट इसके अलावा और भी न्यू व्यू पोर्ट हो सकते हैं, जैसे कि लेआउट 1, लेआउट 2, और भी लेआउट ऐड किए जा सकते हैं, तो वे सभी न्यू व्यू पोर्ट होंगे। ओके, सो बेसिकली होता क्या है कि जब भी हम एक नॉर्मल लेयर से किसी भी व्यू पोर्ट में ऑब्जेक्ट ड्रॉ करते हैं, तो ये हमें सभी व्यू पोर्ट पर नजर आता है। ओके, इफ मैं इस लेयर के साथ थोड़ी छेड़ाखानी करता हूं, मैं न्यू वीपी फ्रीज को स्विच कर देता हूं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये सभी लेआउट्स में फ्रीज हो जाएगा। देखिए, बिकॉज मैंने इसको जस्ट अभी स्विच किया है, तो अब जो मैं न्यू व्यू पोर्ट क्रिएट करूंगा ये वहां पर फ्रीज होगा। देखिए इस तरह से। आई नो आपको ये बात समझ में आती है, बट कन्फ्यूज़न कब होती है, जब आप इस लेआउट में वापस लेआउट मैनेजर में जाते हैं तो हमें यहाँ पर कुछ और सिमिलर ऑप्शंस देखने को मिलते हैं जो कि इस लेआउट के लिए होते हैं। तो हम यहाँ पर क्या गलती करते हैं देखना। मैं क्या चाहता हूँ कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर फ्रीज हो जाए, तो मैं लेयर मैनेजर में जाता हूँ और वीपी फ्रीज को स्विच करता हूँ। तो देखिए, यहाँ उल्टा हो जाता है, ऑब्जेक्ट की जगह व्यू पोर्ट ही फ्रीज हो जाता है। तो ऐसा नहीं करना है, इसके लिए आपको सबसे पहले पेपर वर्क स्पेस को स्विच करना होगा, इसको मॉडल वर्क स्पेस में चेंज करना होगा, एंड नाउ आप इसे यहाँ पर सिंपली फ्रीज कर सकते हैं। या फिर आप इसका कलर, लाइन टाइप, लाइन वेट कुछ भी एडिट कर सकते हैं। दूसरे व्यू पोर्ट पर इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। लास्ट जो चीज़ है फिल्टर्स। एक्चुअली होता क्या है कि जैसे जैसे ड्राइंग बड़ी होती जाती है तो लेयर की क्वांटिटी इंक्रीज होने के रीज़न से ये लिस्ट बहुत लंबी हो जाती है। तो कन्फ्यूज़न से बचने के लिए हम यहाँ पर फिल्टर का यूज़ करते हैं। इस आइकॉन से न्यू ग्रुप ऐड कर सकते हैं, लाइक सर्कल, जनरेट न्यू लेयर्स, C1, C2, C3, C4, C5, ऐड वन मोर ग्रुप ट्राइंगल, जनरेट न्यू लेयर्स, T1, T2, T3, T4, T5। इनवर्ट फिल्टर से क्या होगा, जितनी भी मैंने इस ग्रुप में लेयर्स जनरेट कर रखी हैं वो सभी हाइड हो जाएंगी, और इसके अलावा जो भी सभी लेयर्स हैं वो यहाँ पर शो होने लगेंगी। तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। नेक्स्ट इज न्यू प्रॉपर्टी फिल्टर। फॉर एग्जाम्पल, मैं सभी लेयर्स के कलर यहाँ पर चेंज कर देता हूँ इसको समझाने के लिए। और अभी जाता हूँ न्यू लेयर प्रॉपर्टी फिल्टर पर, यहाँ से इसका नेम चेंज कर सकते हैं, रेड लेयर। तो मैं क्या चाह रहा हूँ कि सभी रेड कलर्स वाली लेयर्स एक ही ग्रुप में आ जाएं। ओके, सो देखिए इस तरह से ये काम करता है। सिमिलरली और भी चीज़ें हैं यहाँ पर जिनकी हेल्प से आप फिल्टर जनरेट कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं।
सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।